हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर ऑसम। आज हम चले हैं मसूरी की लेंडोर एरिया एक्सप्लोर करने। अगर आपको पहाड़ों की शांति और लोकल वाइब्स का मजे लेना हो तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है। लेंडोर मसूरी की एक शांत और सीरीन एरिया है। ये थोड़ा ऊपर है तो यहाँ थोड़ी ठंड और ज्यादा सुकून मिलता है। रास्ते में बहुत ही सीनिक व्यू, लेंडोर का हेरिटेज और कॉलोनियल चार्म आपको एकदम एक अलग ही दुनिया का फील करवाएगा। यह है गाइस हमारा पहला डेस्टिनेशन दोमा कैफे। ये एक तिब्बतीयन कैफे रेस्टोरेंट है, बहुत ही कलरफुल से बनाया गया है। यहाँ पे आके आप तिब्बतीयन कुजींस का ट्राई कर सकते हो। पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। फिर हम चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है चार दुकान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चार छोटे छोटे दुकान है जो बहुत पुराने और बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस। सबसे पहले चलते हैं अनिल कैफे। अनिल कैफे की खास बात यहाँ पे है बन ऑमलेट। इसका ऑमलेट इतना यूनिक है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं। ये देखो मेकिंग प्रोसेस बन ऑमलेट का, अच्छा लगा, सही टेस्ट था। अब हम आ गए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैफे दी लेंडोर।
ये कैफे अपनी कोजी एम्बियंस और टेस्टी ट्रीट्स के लिए बहुत ही फेमस है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही कोजी और वार्म है। वुडन डेकोर और पहाड़ी वाइब्स के साथ यहाँ का एटमोसफियर एकदम रिलैक्सिंग है, बिल्कुल परफेक्ट है एक पीसफुल ब्रेक के लिए। देखो पहाड़ी पहाड़। मैंने यहाँ का कुछ पॉपुलर आइटम्स ऑर्डर किया है, जैसे कि पिज्जा, चॉकलेट ब्राउनी केक। तो खा के बताते हैं कैसा लगा यहाँ का टेस्ट। यहाँ का टेस्ट अच्छा था, ब्राउनीज का टेस्ट अच्छा था, पिज्जा एवरेज। यहाँ पे बैठ के हिल्स का नजारा बहुत ही अमेजिंग, देखो कैसे खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छे व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये व्यू के पैसे हैं यहाँ का। तो गाइस यही तक था हमारा ब्लॉग। तो चलते हैं कहाँ, लैंडोर की और भी जगह है एक्सप्लोर करने। तो चलो